आर्यन कोचिंग सेंटर चरखी दादरी, जिस समय एकेडमी का आप नाम भी नहीं जानते थे, एकेडमी होती क्या चीज़ है। 2007 में इन्होंने इस एकेडमी की नींव रखी थी और 4,500 बच्चे लगभग आज नौकरियां पा चुके हैं इस एकेडमी से। आप जब कहीं किसी एकेडमी में या किसी ऑफिस में या हॉस्पिटल में जाते हैं तो आधे घंटे आपको बाहर बैठाया रखा जाता है, यानी कि वो दिखावा होता है। सर बीजी हैं, सर के पास फ़ोन आ रहा है, बाहर एक दो झूठे सच्चे लोग खड़े कर देते हैं और अंदर एंट्री नहीं होती, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ये तस्वीर देख लीजिए, ये जो बच्चे दीवारों पे देख रहे हैं आप चारों तरफ, ये बच्चे आज भारत देश में कहीं ना कहीं किसी न किसी पद पर भारत का नाम, भारत का गौरव बढ़ा रहे हैं। और हमारा जो ध्येय है, जो बच्चों को पढ़ाना, जो उनको एक नई दिशा देना है युवा को, तो वो काम छोड़ के हम जो जमीनें खरीदने लग जाएंगे, हम बिल्डिंगें बनाने लग जाएंगे, तो वो हमारा काम है नहीं। चरखी दादरी बस अड्डे के बिल्कुल बगल में पारस वाली गली में आर्यन कोचिंग सेंटर है ये। मेरे गाँव का लड़का यहाँ पर रेडी लगाता था, बनियों का लड़का एक, तो मैं कहीं गया था तो वो बोला नमस्ते जी। मैंने कहा नमस्ते तो ठीक है भाई, लेकिन प्लस टू करी थी, कुछ कर लिया हो? बोला जी के कर लिया। बोला घर वाला कन के हम सही को नहीं पैसा पैसा देना है। मैं बोले क्यों भाई? नहीं बोले जी कोचिंग करा तो फीस को नहीं। मैं बोला भाई मेरो रहे सेंटर अपना गांव को है सेंटर, तो बोला जी वो तो फीस तो देनी पड़ेगी। मैं बोला भाई मैं नवीन तेरे कन फीस नहीं मांगूंगा। और बोल तो कितने दिन भी आ। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। मेरा एस्टेट है ना, वो पीजीटी टीजीटी क्लियर है और सीटेट भी क्लियर है मेरा, और यही से पढ़ कर हुआ है, अच्छा पढ़ाते हैं। मेरे गांव में कम से कम भी 20 या 25 लड़कियां हैं जो कि दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस में वो आर्यन कोचिंग सेंटर से ही हैं। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो यहाँ पे जीरो लेवल पर आई थी और अब जब उनसे मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि वाह बहुत ज़्यादा नॉलेज है उनको, अब जॉब कर रही हैं हरियाणा पुलिस में और दिल्ली पुलिस में। हाँ जी। तो गांव से जो बच्चे आते हैं उनको कोई परेशानी नहीं होती? एक वो बच्चे हैं जिनको हमने बेसिक जो सिलेबस करवा दिया, और दूसरे वो हैं जो बीच में हैं, यानी कि वो सिलेबस करके जो है अब डीपली उनको पढ़ा रहे हैं, और तीसरा बैच जो हमारा शुरू होता है वो नया बैच शुरू होता है। कोई बच्चा ये कहता है कि मेरे को तो जी कुछ नहीं आता इस चीज़ में, वो भी हमारे पास 3 महीने बाद ये कहता है कि जी मेरे को आता है। अब सर यहाँ के जो सभी टीचर हैं ना बिल्कुल फ्रेंडली हैं, ऐसे फ्रेंकली पढ़ाते हैं। जैसे कोई भी टीचर सीरियस मोड में पढ़ाएगा ना तब बच्चे उस पर गौर नहीं करते, जैसे बोरिंग सा फील करते हैं ना, तो ये जो टीचर है ना यहाँ की फैकल्टी है ना बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाती है, तो इसलिए सुना भी है यहाँ के बारे में, यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है, यहाँ से पढ़ के भी गए मंदोला में कई बच्चे, तो इसलिए हस्बैंड ने यही बोला। हम होंगे कामयाब एक दिन, एक दिन मन में है पूरा विश्वास, मन में है पूरा विश्वास हम होंगे कामयाब। ईस्ट और वेस्ट चलो भारत माता की जय। वंदे चरखी दादरी में बस स्टैंड के बिल्कुल साथ में पारस वाली गली बोलते हैं इसको, इसमें हमारा आर्यन कोचिंग सेंटर है, और ये आर्यन कोचिंग सेंटर हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो 94163-206-9416330206, और दूसरा हमारा जो नंबर है वो मेरे पार्टनर श्री भगवान सर जो है उनका है 90535973। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद आज चरखी दादरी में, और यह हम आज आपको किसी नेता से नहीं, ना किसी सेलिब्रिटी से मिला रहे हैं, ना किसी हीरो से, लेकिन आज हम एक ऐसे शख्स से मिला रहे हैं जो अगर चाहता तो इंजीनियर बन सकता था, IAS IPS बन सकता था, या फिर कोई बड़ा अपना रोजगार भी कर सकता था। आज हम बात करेंगे आर्यन कोचिंग सेंटर चरखी दादरी, हरियाणा राज्य, और नया ज़िला भी बना है, और एकेडमी नई नहीं है, ज़िला नया ज़रूर है। जिस समय एकेडमी का आप नाम भी नहीं जानते थे, एकेडमी होती क्या चीज़ है, 2007 में इन्होंने इस एकेडमी की नींव रखी थी और 4,500 बच्चे लगभग आज नौकरियाँ पा चुके हैं इस एकेडमी से। और हम वहीं जाते हैं जहां कुछ दम होता है, जहां कुछ अच्छाई होती है, और जहां सच्ची बात होती है, हम वही चीज़ दिखाते हैं।
आज हम पहुँचे हैं चरखी दादरी, आपके काम की चीज़ है, युवाओं के काम की चीज़ है, और अभिभावक जो सुन रहे हैं हरियाणा राज्य में या बाहर कहीं भी राजस्थान यूपी जहाँ भी, आपके अभिभावकों की काम की चीज़ है, क्योंकि आप यहाँ अपने बच्चे को भेजते हैं स्कूल जैसा ही माहौल है, और 4,500 बच्चे अलग अलग जॉब में आज नौकरियाँ पा रहे हैं। हम भी कोई दिखावा नहीं किया, सीधा अंदर आए और सीधी बातचीत शुरू कर दी हमने। रविंद्र जी मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अकेडमी शुरू की थी। रविंद्र जी, हरियाणा न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा। सर चलते चलते बात करेंगे आज हम आपसे, तो आप देख लीजिए तस्वीरों में ये ऑफिस है। आप जब कहीं किसी अकेडमी में या किसी ऑफिस में या हॉस्पिटल में जाते हैं तो आधे घंटे आपको बाहर बैठाए रखा जाता है, यानी कि वो दिखावा होता है। सर बीजी हैं, सर के पास फ़ोन आ रहा है, बाहर एक दो झूठे सच्चे लोग खड़े कर देते हैं और अंदर एंट्री नहीं होती, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हम सीधे अंदर आ गए और रविंद्र जी से बातचीत करने लगे। रविंद्र जी, दिखावा बिल्कुल नहीं है, क्या बात आपके पास? जो हमारे पूर्वज के द्वारा या जो भी जिस भी एजुकेशन में हम रहे तो उसमें एक नैतिकता का जो माहौल मिला उसमें सबसे बड़ी चीज़ है मानवता, और मानवता के आगे सारी चीज़ें जो है वो जो छोटी पड़ जाते हैं। तो मैंने सोचा कि जो काम किया जाए वो ओरिजिनल तरीके से किया जाए, अपने दिल की गहराइयों से किया जाए, जिसमें मेरे को संतुष्टि हो। दिखावा, ये चीज़ें, मनी माइंडिंग, ये चीज़ें पीछे छोड़ जाती हैं, क्योंकि आखिर में मनुष्य को जो चीज़ है वो तो मानवीय मूल्य हैं, और मैंने मानवीय मूल्य को साथ रखते हुए और इस दादरी क्षेत्र को जो है मेरे अनुरूप मैंने काम किया है दादरी क्षेत्र में, वो यही है कि प्रत्येक आदमी तक हमारी पहुंच हो और प्रत्येक आदमी की हमारे तक पहुंच हो इसका। तो ये तस्वीरों में देख लीजिए, रविंद्र जी मेरे साथ मौजूद हैं, तस्वीर देख लीजिए। ये जो बच्चे दीवारों पे देख रहे हैं आप चारों तरफ, ये बच्चे आज भारत देश में कहीं ना कहीं किसी न किसी पद पर भारत का नाम, भारत का गौरव बढ़ा रहे हैं। और जब वो कोई भी फील्ड हो, चाहे वो कोचिंग हो, चाहे वो कोचिंग के साथ साथ ये यहाँ जो बच्चे गए, इंजीनियर भी हैं, आर्मी में भी हैं, पुलिस में भी हैं। रविंद्र जी, मैं एक बात जानना चाहूँगा, आज तक अपनी खुद की बिल्डिंग नहीं बना पाए आप, और आप कह रहे हैं हम कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, आपके साथ जो कोचिंग सेंटर आए थे आज वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना चुके हैं, तो आप में कहाँ कमी रह गई? सबसे ज़्यादा बच्चे आपके पास। बिल्कुल, इसको कमी नहीं कहूँगा मैं, इसको मेरी एक नई सोच को नाम दूंगा मैं इसको, क्योंकि यहाँ क्या है कि अगर हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं, हम कोई स्थायित्व की ओर जाते हैं, कोई ज़मीनें खरीदते हैं, उससे मैं एक मनी माइंडेड व्यक्ति बन जाता हूँ, और मैं शुरू से एजुकेशन से जुड़ा रहा हूँ और एजुकेशन का ही आदमी हूँ, तो मैंने शुरू से एक मोटो बनाया, और मेरी जो टीम है जो पिछले यूँ मान लो कि 15 साल से मेरे साथ काम कर रही है, वो सब लोग जो है एजुकेशनिस्ट हैं, और हमने बच्चों को पढ़ाया है। और बिल्डिंग बनाना या फिर ये सारी चीज़ें फैलाना, ये एक मनी माइंडेड सोच के तहत जाता है, और हमारा जो ध्येय है जो बच्चों को पढ़ाना, जो उनको एक नई दिशा देना युवा को, तो वो काम छोड़ के हम जो ज़मीनें खरीदने लग जाएंगे, हम बिल्डिंगें बनाने लग जाएंगे, तो वो हमारा काम है नहीं। और हमारा जो मोटो है वो इस क्षेत्र को जो है शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाना है, युवाओं को एक नई दिशा देना है, तो मैं नहीं सोचता कि वो चीज़ें वो करके हो सकती हैं। वो चीज़ें जो है एक कहीं भी जो है रेंट भी हो सकती है, और पिछले 15 साल से बखूबी हम कर रहे हैं, इसमें कोई हमें प्रॉब्लम नहीं आ रही, और शायद मैं तो यही कहूँगा कि जो हम चल रहे हैं वो अच्छे चल रहे हैं एजुकेशन। तो ये रविंद्र जी मेरे साथ तस्वीरों में देख लीजिए, ऐसा कोचिंग सेंटर, इतना सनखी या इतना पागल या इतना कुछ भी लगा लीजिए, क्योंकि जो इनके साथ सेंटर थे वो कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना चुके हैं आज, लेकिन ये जो रविंद्र जी जो शख्स मेरे साथ मौजूद हैं, ये तस्वीरों देख ली, आज तक अपनी खुद की बिल्डिंग नहीं बना पाए, 2007 से लगभग 20 साल हो चुके हैं, और सबसे ज़्यादा बच्चे इनके पास होते हैं। खास बात ये है, चरखी दादरी बस अड्डे के बिल्कुल बगल में पारस वाली गली में आर्यन कोचिंग सेंटर है ये, और यहाँ पे आप अपने बच्चों को आराम से भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, स्कूल जैसा माहौल है यहाँ पे। हमारे साथ ये तस्वीर वो हिमांशु लंबा दिखा दीजिए, यहाँ ये देख लीजिए, ये कन्याएं हैं, ये तस्वीरों हम दिखा देते हैं आपको। बेटा कहाँ से? सर कल्याणा से। अच्छा, यहाँ कैसा माहौल? अच्छा है सर। स्कूल जैसा माहौल? उससे भी बेटर मिलता है सर। उससे तो और कोचिंग सेंटर इसमें क्या खासियत? सर इसमें अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा बिहेव करते हैं। जो बेटा क्या कहेंगे? ठीक है सर, बढ़िया है। अच्छा, बढ़िया क्यों है?
सर पढ़ाई में मन लगता है, यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। चलो बेटा आप बता दो, माँ बाप भेजते हैं घर, चाहो कोचिंग में जाइए, तो फिर घर से क्या सोच के आते हैं कोचिंग में जाएंगे? यहाँ जैसे माहौल कैसा है? माहौल बिल्कुल अच्छा है यहाँ पे। और जैसे हरियाणा की कन्याएं और बाहर अन्य स्टेटों की देख रहे हैं आपको, तो यहाँ कंफर्टेबल महसूस करते हैं? हाँ कंफर्टेबल महसूस करते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर। तो एक नहीं तस्वीरों में दिखा दीजिए, ये लड़कियां हैं और काफ़ी संख्या है यहाँ पे बच्चियों की, तो यहाँ आप बताइए क्या सर? सासुरली सर। तो किस चीज़ की कोचिंग सर? अभी तो सीईटी की। तो कैसा लगता है? नहीं अपार हो जाएगी यहाँ आके? लगता है सर ऐसा ही क्यों हो जाए। हाँ ऐसा क्यों क्यों लगता है? स्टाफ अच्छा है, सभी टीचर्स पढ़ाने का तरीका भी उनका अच्छा है। तो यहाँ लड़कियाँ आ सकती हैं बगैर सोचे समझे आराम से, यानी कि माहौल बहुत कंफर्टेबल है बच्चों? सर माहौल अच्छा है सर। वैसे बाकी सेंटर में देखते हैं तो गर्ल्स और बॉयज़ मिक्स भी बैठते हैं साइड में, और यहाँ गर्ल्स को आगे बैठाया जाता है बॉयज़ पीछे, तो सर ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये बेटी देख लीजिए मार्क्स लग रखे सर, कोरोना की वजह से थोड़ा सा। चलो कोरोना बाकी बच्चियों को नहीं है, आपको कोरोना का डर सता रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। बेटा क्या सर? अचीना से। अचीना से? अचीना ताल से। आने में कोई परेशानी होती है? नो बस में आते हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता रविंद्र जी को कहें अपना खुद का वाहन लगा दे लड़कियों के लिए, उधर से एक रूट बन जाए उधर से एक रूट? नहीं सर, लड़कियों की आती है वहाँ से। किस चीज़ की कोचिंग? अभी तो सीईटी की। हो जाएगा? हाँ लगता है मुझे यही हो जाएगा। कोई दूसरी कोचिंग में नहीं हो? यही हो जाएगा, यही हो जाएगा। चलो और कौन सी बच्ची कहना चाहेगी? बेटा आप बता दो क्या कहेंगे, इस कोचिंग सेंटर में आप आई क्यों? पढ़ने के लिए। चलो पढ़ने के लिए आई, लेकिन क्या मतलब इसी में क्यों? यहाँ पे अच्छा पढ़ाते हैं सर, मैं बिल्कुल जीरो आई। रविंद्र जी सबसे अच्छा माहौल तो ये लगा मुझे कोचिंग सेंटर में, लड़कियों की शिकायत होती है कोई ना कोई, कोई ना कोई। हमारी ये मजबूती रही है सर पिछले जो है 2007 से, कि लोग कहते हैं कि युवा बदमाश है, मैं कहता हूँ युवा को दिशा नहीं है, बस युवा को दिशा नहीं है। और मैं आज महसूस कर रहा हूँ कि अभिभावक के पास भी वो दिशा नहीं है, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स मेरे पास ये बोल के जाते हैं कि मास्टर जी मारी तो मानना को नहीं, आप की मान ले तो देख लो, लेकिन पिछले 20 साल से मैं मेरे इस हृदय से ये बोल रहा हूँ कि इनमें से एक भी बच्चा बदमाश नहीं है, इनको दिशा नहीं है, केवल इनको ये नहीं पता कि करना क्या है, इनको संसाधनों की कमी हो जाती है बच्चों के पास और वो अपने दिशा भटक जाते हैं। और आर्यन कोचिंग सेंटर ने पिछले 20 साल में केवल एक ही मोटो अपना रखा है, मैंने इनको बोल रखा है जिसके पास फीस नहीं हो घर से आने की टाल मत करना। बल्कि कईयों को तो मैं उदाहरण दूं, मेरे गांव का लड़का यहाँ पर रेडी लगाता था, बनियों का लड़का एक, तो मैं कहीं गया था तो वो बोला नमस्ते जी, मैंने कहा नमस्ते तो ठीक है भाई लेकिन प्लस टू करी थी कुछ कर लिया हो? बोला जी के कर लिया? बोला घरवाला कन के हम सही को नहीं पैसा पैसा देना है। मैं बोले क्यों भाई? नहीं बोले जी कोचिंग करा तो फीस को नहीं। मैं बोला भाई मेरो रहे सेंटर अपना गांव को है सेंटर, तो बोला जी वो तो फीस तो देनी पड़ेगी। मैं बोला भाई मैं नवीन तेरे कन फीस नहीं मांगूंगा, और बोल तू कितने दिन भी आ। बोला जी फिर मैं कहा और क्या दिक्कत होगी? बोला किराया। मैंने उसको ये भी कहा कि भाई जिस दिन किराया चाहिए तू मेरे को बता देना, मैं तेरे को किराया भी दूंगा। और आज वो नवीन जो है वो हरियाणा पुलिस में महेंद्रगढ़ जो है जॉब कर रहा है, और मैं बड़ा ही नहीं मानता इस चीज़ में, मैं ये मानता हूँ कि मेरे दिल की संतुष्टि हुई इस चीज़ से कि मैंने एक जो है ना एक परिवार को जो है नई दिशा देने आ, युवा को नई दिशा। इसी प्रकार इन युवाओं को 20 साल से मैं और मेरे जो साथी सह संचालक हैं श्री भगवान शर्मा मिश्री से, तो हम दोनों इसी प्रयास में लगे रहते हैं सुबह से शाम तक इनके साथ जो है कसरत करते हैं। बल्कि ये कहूँ कि सर्दी में पसीना जो है, गर्मी में तो पसीना सबको आता है, सर्दी में हम पढ़ा के पसीना निकालते हैं इन बच्चों के साथ, और वही चीज़ इनको हमारी पसंद है इन बच्चों को। चलो टीचिंग लाइन में जाना है। क्यों जाना था सर? एक में सबसे सेफ है, सेफ है सर, और फिर टीचिंग लाइन ये एक ऐसी है जो आईपीएस ऑफिसर यूपीएससी तक के बच्चों को खुद करवाती है। आपकी बेटियां बहुत जबरदस्त है यहाँ पे, ये सर टीचिंग लाइन में ही। सर अंजू सर चिड़िया से। मैं दिल्ली पुलिस में, दिल्ली पुलिस में। दिल्ली पुलिस में? अच्छा दिल्ली पुलिस में जाएंगे बेटी, क्यों जाएंगे बेटा? मेरे को पसंद है धन। अच्छा ऊपर नीचे का भी आता रहेगा धन। चलो बेटा आप बता दीजिए सर। टीचिंग लाइन में, टीचिंग लाइन, टीचिंग लाइन में आप
सर अभी तो सीईटी क्लियर करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कहीं थोड़ी सी दिल में किसी को नहीं इच्छा हो इसी में सर, अभी तो बस हरियाणा में ही जॉब हो सकती है हमारी। आप बताइए। हरियाणा पुलिस में सर। बेटा बताइए जल्दी जल्दी। सर पहले एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, उसके बाद सिविल सर्विस की तैयारी करो। सर गवर्नमेंट जॉब चाहिए, टीचिंग लाइन सर। टीचिंग लाइन में आप क्या बनना चाहते हैं? पहले तो टीचिंग सिविल में। चलो मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, पिछले लाइन में जाने के लिए जगह किधर से है? यहाँ पे कुछ पीछे सर मैं जानना चाहूँगा बच्चों से, तो यहाँ देख लीजिए तस्वीरों मेरे साथ कुछ बेटों, आप भी सर आ जाइए साथ साथ। अच्छा मुझे 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 इस बच्चियों से मैं जानना चाहूँगा। अच्छा मुझे ये बताइए, एक 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 नारा लगा के दिखा दो आप, भारत माता की जय। वास्तव में ये कोचिंग सेंटर में वंदे मातरम, वंदे मातरम, वास्तव में सही है आपका कोचिंग सेंटर। अच्छा आप काफी देर से सुन रही हैं, क्या बनना चाहते हो? सर टीचर। सर टीचर क्यों बनना? नहीं सर मेरा एस्टेट है ना, वो पीजीटी टीजीटी क्लियर है और सीटेट भी क्लियर है मेरा, और यही से पढ़ कर हुआ है, अच्छा पढ़ाते हैं। आप और बता। टीचर बनना चाहती, प्राइमरी टीचर। बताइए आप इनमें बड़ी लगती है, तो यहाँ बच्चियाँ कंफर्टेबल है? हाँ सर बिल्कुल कंफर्टेबल, यहाँ माँ बाप यहाँ भेज सकते हैं पूरे कॉन्फिडेंस? हाँ सर कॉन्फिडेंस। बहुत अच्छी बात है। तो हमारे साथ ये बेटी बनी हुई है काफ़ी, इनसे भी जान लेते हैं। बेटा आप चुपचाप बैठी हैं पीछे, क्यों बैठी हैं? बस सर ऐसे ही। अच्छा क्या 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 मकसद? हम मेरा हरियाणा पुलिस में सर, हरियाणा पुलिस में क्योंकि यहाँ का स्टाफ भी अच्छा है और सर वैसे फीस के लिए भी नहीं बोलते भाई ज़्यादा, तो बच्चे आराम से आ जाते हैं यहाँ पे। जी बेटा मेरा गांव मेरा ना, मेरे गांव में कम से कम भी 20 या 25 लड़कियाँ हैं जो कि दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस में वो आर्यन कोचिंग सेंटर से ही हैं। क्या बात है सर, 20-25 लड़कियां आपकी यहां सेंटर से, मैं राणा गांव बताया सर, सर फिर भी आज जॉब कर रही हैं सर। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो यहां पे जीरो लेवल पर आई थी और अब जब उनसे मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि वाह बहुत ज़्यादा नॉलेज है उनको, अब जॉब कर रही हैं हरियाणा पुलिस में और दिल्ली पुलिस में। सर वास्तव में क्या जादू की जब्पी बताया ना सर, इधर इमलोटा गाँव से लेके और इधर बांडवा और इधर बोन से लेके और इधर आकोदा तक हर गाँव में आर्यन कोचिंग सेंटर का कम से कम 2 से लेके और 55 तक मिश्री जैसे गांव में 50 से 55 जॉब हमारी हैं, तो बिना किसी जो ज़्यादा दिखावे के ये बेटियां और ये बेटे जो हैं वो मेहनत कर रहे हैं। आज के युवा में जोश है, जुनून है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा सा डायरेक्शन की दिशा की ज़रूरत है जो आर्यन कोचिंग सेंटर इनको बखूबी दे रहा है और हम काम कर रहे हैं। मानना पड़ेगा हम आर्यन कोचिंग सेंटर चरखी दादरी हरियाणा राज्य में मौजूद हैं, बस अड्डे के पास में और पारस हॉस्पिटल वाली गली के अंदर ये है, लेकिन हम यहाँ कुछ सोच के अलग आए थे क्योंकि कोचिंग सेंटर कुछ अलग तरीके से ही माहौल मिलता है बच्चों को, लेकिन यहाँ स्कूल जैसा माहौल है। लेकिन बच्चियों को एक चिंता हमेशा सताती है, एक गांव से अगर 20-30 बच्चे आ रही हैं तो वहाँ से वाहन क्यों नहीं लगा सकते आप उन बच्चियों को यहाँ तक लेके आए और घर तक छोड़? बिल्कुल, क्योंकि माँ बाप अफोर्ड कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा किराया। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमने शुरू से ही कोशिश की थी और ये पहल भी की थी, लेकिन कोचिंग सेंटर का जो युवा है वो संगठित नहीं है, असंगठित क्षेत्र का, जैसे कल को वो रोहतक कहीं चला जाता है या वो दादरी, तो वो एक कंबाइन नहीं बनता उनका वाहन का जो चार्जेस है। और भी बच्चे तो आ जाते हैं फिर पीछे पीछे लिए हमने। चलो बच्चियों के लिए क्या सोचा? बच्चियों के लिए मैंने शुरुआत में यही सोचा था कि भी इनके लिए कोई वाहन व्यवस्था कर दी जाए, लेकिन वो ना तो सेंटर की तरफ से संभव हो सके ना गाँव की तरफ से, ठीक है, तो ये संभव केवल गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई ऐसी अपनी आर्यन कोचिंग सेंटर की बस पूरा रूट कवर करे, एक बस इधर से और एक बस उधर से, ऐसा नहीं हो सकता। कल को अगर हम ऐसी चीज़ें करते हैं तो उसके लिए हमें जो है फीस का जो स्ट्रक्चर है वो बढ़ाना पड़ता है हर बार, हम बच्चे को जो है ना वो मिनिमम फीस में और देने को। चलो बेटा आप बताइए कहाँ से आते हो? दगडोली से। दगडोली से? हाँ। तो आपको नहीं लगता वहाँ से एक बस आर्यन कोचिंग सेंटर की लग जाए, बहुत बच्चियाँ हैं कम्फर्टेबल महसूस करेंगी, आएंगी और यहीं से वापस छोड़ दिया? नहीं ऐसा है ना कि सर तो लगा दें बस, लेकिन एक महीने आए कोई, कोई 2 महीने आए उसके बाद छोड़ देते हैं, तो कैसे कवर करेंगे सर उससे? तो रूटीन में चलता भी रहता है। वैसे गवर्नमेंट ने सुविधा दे रखी है, हरियाणा रोडवेज चलती हैं आधे आधे घंटे में, तो उससे हमारा हो जाता है। ओके थैंक यू। तो ये बच्चियाँ हैं, अब बेटों के पास आते हैं, सारे बेटे हमारे साथ बैठे हुए हैं, क्या नाम है? सोनू सर। सोनू क्या क्या तैयारी? सर तैयारी मैं पिछले 6-7 महीने से कर रहा हूँ। किस चीज़? मैं ये सर HSSC की। ओके तो फिर बनना क्या चाहते हैं? सर पुलिस लाइन में।
पुलिस लाइन में। अच्छा पुलिस ही क्यों चुनी आपने? पुलिस सर मेरे दादा को बहुत पसंद है। दादा को पसंद है, चलो। अच्छा मुझे ये बताइए, यहाँ आपके दादा ने भेजा है? यस सर। क्या बोले भाई, आर्यन कोचिंग सेंटर में जाइए रे छोरा, कि इन्होंने उल्टो की तफस जान तू, वो सेंटर को नाम ज़्यादा सुन रहे हो छोरा, कि ज़्यादा उतर तो भर्ती होके लिख रहे हैं। हाँ जी। चलो। हाँ बेटा। नवीन है सर, कलाड़ी से। कलाड़ी? हाँ। क्या बनना था? आर्मी। तो बेटा कलाड़ी से इसी सेंटर क्यों चुन लिया आर्यन कोचिंग? सर ये अच्छा है सब। अच्छा क्या अच्छा ही लगता है? सब अच्छे लगते हैं सर, इसका वातावरण भी बहुत अच्छा है और सब। मुझे फटाफट ये बता दिए आर्यन कोचिंग सेंटर की एक खासियत बता दो मुझे। स्टाफ अच्छा है यहाँ का सर, टीचर हैं सारे अच्छे। टीचर अच्छे? तो फिर यहाँ और सुविधा जैसे? सुविधा सर, माहौल भी अच्छा और फीस भी अच्छी है, सही है। चलो हमारे साथ ये बेटे, इनसे जानते हैं। हाँ आप आते हैं पढ़ने के लिए यहाँ? यस। तो आर्यन कोचिंग को क्यों चुना? हमने सर बहुत कोचिंग नाम भी देखे लेकिन वहाँ पर सेटअप अच्छा नहीं मिला हमको, तो यहाँ सेटअप अच्छा मिला है सर। आर्यन कोचिंग सर यहाँ का माहौल थोड़ा अलग है पढ़ाने का और जगह से सर, इसलिए चुना सर। क्यों, क्या लगता है? सर माहौल अलग है और हर क्वेश्चन आंसर को एग्जांपल देके पढ़ाते हैं जिससे बच्चों को पढ़ने में और समझने में आसानी होती है। तो सबसे ज्यादा प्यारे टीचर कौन से हैं आपके, ये बता दो। रविंदर सर। रविंदर सर? रविंदर सर, कोई भी तो नाम ले दो, कोई कोई दिक्कत नहीं है। चलो थोड़ा सा उधर करके दिखाइए मानसू लांबा। रविंदर जी मैं आपसे जान लेता हूँ, सारी बच्ची आपसे प्यार करती, सारे बेटे आपसे प्यार करती, वजह क्या है? वजह ये है कि मैंने शुरू से ही इनको बिल्कुल दिल से पढ़ाया है। और एक चीज और है कि इनको पढ़ाना कैसे है वो मैंने 15 साल में खुद सीखा है और खुद सीख के फिर इनको पढ़ाता हूँ। ये मैं इनको बर्डन नहीं देता, इनको तनाव नहीं देता कि ये पढ़ना है, मैं इनको सिखाता हूँ कि ये चीज़ ये है, प्रैक्टिकल रूप से ये है, इनको सीखनी ही पड़ेगी, तो ये सीखते हैं उस चीज़ को। रविंद्र सर का कौन सा डायलॉग अच्छा लगता है पढ़ाते हुए आपको? बट आगे आगे करो थोड़ा चेयर को, मुझे ये बता दो। हाँ जी सर। सर मजा क्या है सर, फ्रेंडली भी करते हैं सर सभी बच्चों के साथ। आप बताइए क्या नाम? संगीत। संगीत? संगीत, अच्छा नाम है, बहुत प्यारा। क्या कहेंगे सर? एक्टिव रखते हैं सभी बच्चों को, बोर नहीं होने देते। बोर नहीं होने देते सर, बहुत आपकी काफ़ी तारीफ कर रहे हैं लेकिन अफसोस सर भी इतना ही है, आप आज भी किराए में बैठे हैं, आज से 20 साल पहले भी किराए पे बैठे थे सर। मुझे कोई अफसोस नहीं है क्योंकि आज से 15 साल या 20 साल पहले जो बच्चा मेरे से लगा था और आज वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है और मेरे को कहीं भी अगर मिल रहा है या फिर कहीं भी वो मेरा जिक्र कर रहा है तो वो ये कर रहा है कि आर्यन एजुकेशन सिस्टम ने हमें बनाया है, मैंने इनकी ज़िंदगी बना दी। युवाओं की, क्षेत्र की युवाओं की बिल्डिंग बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, युवाओं की ज़िंदगी बना दी, बिल्डिंग बनाना कोई। बेटा आप चुपचाप बैठे अकेले, आप पढ़ाते हैं क्या? नहीं मैं अभी आई हूँ उधर। आई हो? हाँ जी। अच्छा लेट क्यों आते? सर इवनिंग बैच में आती हूँ मैं। इवनिंग बैच, चलो। अच्छा दो बैच लगते हैं बेटा? हाँ जी। अच्छा कितनी कितनी बजे से होता है? 9:30 से 2 बजे तक का और 2 से 5 का। गाँव शहर से? हाँ जी। तो गाँव से जो बच्चे आते हैं उनको कोई परेशानी भी होती है? तो सर बाकी बच्चों से मिला जाए सर, दूसरी क्लास के नया बैच है जो शुरुआत हुई है नए बैच की, ये देख लीजिए तस्वीरों में, यहाँ भी नया बैच भी कम नहीं है, कहीं ना कहीं कंफर्टेबल मेहमान, लेकिन वहाँ कमरा कुछ ज़्यादा फुल था। ये नया बैच हमारा है, ये वो बच्चे हैं जो 2 या 3, 4, 5 दिन से जैसे आना शुरू हुए हैं, तो हम हर जो है एक मंथ के बाद जो न्यू शुरू करते हैं ताकि वो बच्चे मिक्सअप ना हो पाएँ। तो इस तरह से हमने 3 प्रकार के जो है बच्चों के बैच बनाए हैं, एक वो बच्चे हैं जिनको हमने बेसिक जो है सिलेबस करवा दिया और दूसरे वो हैं जो बीच में हैं यानी कि वो सिलेबस करके जो है डीपली उनको पढ़ा रहे हैं, और तीसरा बैच जो हमारा शुरू होता है वो नया बैच शुरू होता है उसको 0 से, क्योंकि ये बच्चे जो हैं ये ज़रूरी नहीं है कि इनको कुछ सबको सारी चीज़ें आती हों, तो इसलिए हर बच्चे को हम मैथ में, रीजनिंग में, जीके में या किसी भी सब्जेक्ट में, इंग्लिश में बिल्कुल 0 से उठाते हैं। कोई बच्चा ये कहता है कि मेरे को तो जी कुछ नहीं आता इस चीज़ में, वो भी हमारे पास 3 महीने बाद ये कहता है कि जी मेरे को आता है अब। तो ये सर आपके नंबर बता दीजिए। आर्यन कोचिंग सेंटर सर की दादरी, और हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है आर्यन का वो 94163-30206 और 90535-973। मैं रविंद्र सांगवान जो है
94163-30206 और मेरे पार्टनर श्री भगवान शर्मा जो हैं वो 90500-973। तो वो मैथ पढ़ाते हैं, मैं जीएसजी के जी। तो ये देख लीजिए छोटी छोटी हमारे साथ ये बच्चे हैं प्यारी प्यारी, बेटा कितनी कहाँ से आपने पढ़ाई की? सर बीएससी पास आउट। ओके, कहाँ से? मोड़ी से। यहाँ आए क्यों? एसएससी के लिए कोचिंग लेने सर। माँ बाप ने क्या कहा है, इसी कोचिंग में क्यों जाना? नहीं सर, मैं डेमो के लिए आई हूँ। अपने आप डिसाइड किया? तो इसी को क्यों किया आपने डिसाइड? सर बहुत सुना है यहाँ के बारे में कि मतलब यहाँ पे सक्सेस मिलती है। नहीं आए? यस सर। आप कहाँ से आए? मैंने बीए करी है सर, गीकाड़ा से आती हूँ, सीटी के एग्जाम के लिए आती हूँ सर। तो इसी सेंटर को क्यों, काफ़ी सेंटर? सर मैंने कई सेंटरों में कोचिंग ली क्योंकि मैंने यही सही लगा। ये देख लीजिए ये बच्चियाँ कई सेंटरों में कोचिंग ले चुकी हैं ये, और उसके बाद इन्होंने कहा है कि हम इसी में ही आएंगे आर्यन कोचिंग में, क्योंकि सबसे बेस्ट यही कोचिंग सेंटर है, खासकर बच्चियाँ और बच्चे एक साथ बैठते हैं, अच्छा माहौल मिलता है। आप कहाँ से? मैं संतोखपुरा से। अच्छा, किसने भेजा, माँ बाप ने या खुद? खुद से डिसाइड किया सर। अच्छा, डिसाइड क्यों किया? क्योंकि सर मैंने काफ़ी कुछ सुना भी है और एक दो बार कोचिंग ले भी चुकी हूँ मैं यहाँ पे, तो मैं पहले प्रोग्रेस देखा है कि मैं आगे बढ़ सकती हूँ इस मामले में, तो इस वजह से मैं दोबारा मैंने कोचिंग स्टार्ट करी है। इसमें मानना पड़ेगा रविंद्र जी को, पता नहीं क्या जादू की जप्पी देते सर, सही माहौल मिलता है। यस सर। आने में कोई समस्या होती? नो सर। अब नए आए जी? कितने दिन हो गए? 6-7 दिन हो गए। यहाँ यहीं क्यों आए? ये आर्यन कोचिंग सेंटर अच्छा बताया जा रहा था, इसलिए हम यहाँ पे डेमो लेके देखा है। सर अच्छा पढ़ाते हैं यहाँ। सरिता 2 ही दिन से आई है, डेमो क्लास ली है बस। यहाँ क्यों आई? फर्स्ट टाइम यही ट्राई किया था और मतलब यहाँ पे अच्छा पढ़ाते हैं, 2 दिन के आपको जम गया? यस सर। नाम भी सुनाई? यस सर। ये रविंद्र जी आर्यन कोचिंग सेंटर वाले खुद तो कमाते नहीं और दूसरे कोचिंग सेंटर वालों को कवारी ली देते हैं, 1500-2000 रुपये फीस लेते हैं। आज से 20 साल पहले भी ये फीस थी, आज भी इनकी यही फीस है। और विशेष बात ये है, लगभग 20-30 बच्चे कोई कम फीस में है और कोई जो गरीब है न्यायित है वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ते हैं इस कोचिंग सेंटर में। तो ऐसा सिर्फ रहा कोचिंग मालिक हमें पहली बार मिला है पूरे भारत में, हम जाते रहते हैं और मुझे भी बड़ा मज़ा आया। तो बेटा आप कहाँ से? मंदोला से। अच्छा, यहाँ इतनी दूर से आप? सर यहाँ के जो सभी टीचर हैं ना बिल्कुल फ्रेंडली हैं, ऐसे फ्रेंकली पढ़ाते हैं। जैसे कोई भी टीचर सीरियस मोड में पढ़ाएगा ना तब बच्चे उस पर गौर नहीं करते, जैसे बोरिंग सा फील करते हैं ना, तो ये जो टीचर है ना यहाँ की फैकल्टी है ना बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाती है, तो इसलिए सुना भी है यहाँ के बारे में, यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है, यहाँ से पढ़ के भी गए मंदोला में कई बच्चे, तो इसलिए हस्बैंड ने यही बोला। क्या नाम? संदीप। क्या करते? वर्कशॉप है जी उनके। तो वो तो वर्कशॉप है तो हर चीज़ को ठोक बजा के ठीक करते हैं, तो उन्होंने सही तरीके से इस कोचिंग सेंटर को ठोक के बजा के देखा है, उसके बाद अपनी पत्नी को यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है। तो जी आप भी कहाँ से आते हैं, आप भी नहीं आए? सर मैं बोंदखुर से आती हूँ। और अरे आर्यन कोचिंग सेंटर की बात करें तो सर एक तो जो गरीब बच्चे होते हैं और फाइनेंशियल जिनकी कंडीशन ठीक नहीं है वो यहाँ पे 1500 रुपये मात्र 1500 रुपये में काफ़ी अच्छी पढ़ाई करवाते हैं सभी टीचर, चाहे वो हरियाणा जीके हो, मैथ हो या फिर इंग्लिश हो, क्यों ना हो, सभी सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं सर यहाँ पे, इसलिए मैंने आर्यन कोचिंग सेंटर। तो बच्चियाँ बेफिक्र होकर आ सकती हैं? हाँ जी बिल्कुल सर। बेटा आपकी क्या है? सर अच्छा कोचिंग सेंटर है ये, इसका रिजल्ट भी अच्छा आता है। तो आपको किसने कहा, माँ पिता या किसने? नहीं मैंने खुद नहीं डिसाइड किया। ये भी अच्छी बात है, हमारे देश की बेटी आगे बढ़ रही है, खुद ही फैसला करती है। आप भी नहीं आए मेरे कहते ना? यस सर। कितने दिन? बस 3-4 दिन से आना शुरू किया सर। यहाँ इस जगह को क्यों चुना रही है इन कोचिंग सेंटर? इस जगह सर गांव से और बच्चे आते थे, उनसे पूछा, उन्होंने बताया कि अच्छा सेंटर है, इसलिए यहाँ पर आना शुरू कर दिया। आप कहाँ से आते हैं? माजरा से सर। इसी की जगह को क्यों चुना? सर डेमो ले चुके हैं हर जगह पे। डेमो ले चुके, यानी कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, यानी कि पहले आपने यहाँ पढ़ के देख लिया, बाकी और जगह भी और जगह पढ़ के देख लिया सर, बहुत और जगह पढ़ के देख चुके हैं बेटा, मानना पड़ेगा। तो आखिर में आगे दिल को संतुष्टि और दिल को सुकून यहाँ हुआ, हाँ दिल यहाँ मान जाएगा, मान जाएगा बिल्कुल। तो
क्या बनना चाहते हो? सर एसएससी क्लर्क की तैयारी कर रहे थे। क्यों बेटा, कहाँ से? मैं मुंदोला से आया हूँ सर। और ये बर्थडे कोले कोल सेंटर का डिसिप्लिन बहुत अच्छा है और रेगुलर क्लास चलती रहती हैं और इसलिए बहुत अच्छा सेंटर है। मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पर। किसने बताया? मेरे भैया है सर। यहाँ से निकल चुके हैं सर। वो क्या कर? वो सब जॉब लग रहे हैं। क्या बात है, किस में? दिल्ली पुलिस। देख लीजिए यहाँ। और एक बात रविंद्र जी मेरे को और कह रहे थे, आज तक कोई ऐड नहीं हुई इनकी, ना किसी अखबार में, छोटे नून आ जाते हैं कोई पेपर वगैरह तो वो एक भाईचारे के तौर पे, लेकिन उन्होंने मौखिक ऐड यानी कि बच्चे पढ़ते हैं वो अपने आप ही पब्लिसिटी करते हैं, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। रविंद्र जी को मैंने कहा कई बार, रविंद्र जी थोड़ा सा कीजिए, आपने बहुत अच्छा काम किया है। उसके बाद कहीं जाके माने जी। कहाँ से? कितना लगाऊँ से सर? तो यहाँ क्यों आए? आर्यन कोचिंग सेंटर का नाम सर इसी क्षेत्र में नहीं, कई क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा सुना हुआ है सर। यहाँ पर प्रगति भी बहुत होती है अच्छे बच्चों की और बहुत ज़्यादा सिलेक्शन देती है ये एकेडमी सर, और पढ़ाई भी अच्छी होती है, अच्छे टीचर, अच्छा स्टाफ है सर, इसलिए सर। जी आप कहाँ से? दादरी सर। तो क्या कोचिंग कर? कोचिंग एचएससी की और सीसीएसएल की। तो आपने तो पूरी जाँच पड़ताल की होगी, क्योंकि सब में सीनियर है। हाँ जी सर, मैं एक्स आर्मी से हूँ। ओके, एक्स आर्मी मैन सच्चे होते हैं और सही होते हैं। इनका माइंड वॉश वहाँ पे देशभक्ति में किया जाता है, लेकिन यहाँ आके वो कहते हैं आर्मी वालों को लोग ग्राउंड पे उल्लू बना देते हैं। लेकिन सर क्या कहेंगे इस कैंडिडेट? सर मेरे साथ वाले थे, मैंने उनसे पूछा अभी कौन से कोचिंग सेंटर में जाएं, तो उन्होंने मेरे को बताया आर्यन कोचिंग सेंटर अच्छा है, वहीं पर जाओ, फीस भी अच्छी देते हैं और पढ़ाई अच्छी होती है, सिलेक्शन भी ज़्यादा होता है। जो परसेंटेज देखा जाए दूसरे सेंटरों से तो अच्छा परसेंटेज है। और जी सब थोड़ा सा मुखड़ा दिखा दीजिए कैमरे में। क्या नाम है? मेरा कृष्ण कुमार है। दादरी से? दादरी से। ये फौजी साहब है, फौजी साहब कभी झूठ नहीं बोलते, ये भी सच्चाई बात है, और जो बोलते हैं वो डंके की चोट पे बोलते हैं। तो हमारा दिल खुश हो गया क्योंकि यहाँ जो आर्मी मैन है वो भी यहाँ पे आते हैं। और जी सर, हमारे पास जो एक्स सर्विस मैन हर भर्ती में आते हैं यहाँ 15 से 20, और उनमें से मैं आपको कहूँ तो 80% रिजल्ट लेके जाते हैं। मतलब आर्मी मैन में ये कहूँगा कि हमसे ऐसे जुड़े हुए हैं कि एक दूसरे को माउथ हेड के द्वारा यहीं आते हैं, और उनकी वो दूर हो चुके होते हैं 15-20 साल में अपनी लेवल से, उनको विश्वास नहीं होता कि मेरे को भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ आके वो जब 3 दिन का डेमो लेते हैं तो फ्री ट्रायल लेते हैं तो वो ये कहते हैं मास्टर जी बिल्कुल समझ में आवा है, अगर न्यू ही चलते रहे तो, और 3 महीने में वो वापसी जो है दूसरी जॉब पर लग जाते हैं। तो ये आर्मी मैन का भी हमारे साथ एक जुड़ाव जो है पिछले 5-6 सालों से चल रहा है। बहुत बहुत अच्छी बात है। बेटा फटाफट बता दीजिए कहाँ से आते हो और क्या चाहते हो? मोड़ी से आते हैं। मोड़ी से? किसकी कोचिंग? एचएससी। आप? परवीन नाम कपूरी गांव से आता हूँ एचएससी के लिए। यहाँ इस सेंटर को क्यों सुना? ओरो में घूम के देख लिया सर, यही ठीक लगा। ओरो में घूम के देख चुके हैं? मोड़ी गांव। इसी सेंटर को क्यों सुना? फर्स्ट बार इसी सेंटर में आया हूँ, पहली बार। जी क्या बात? इसी सेंटर रोहित रामनगर। इसके अलावा कोई है नहीं चरखी दादरी में? क्या बात है, इसके अलावा चरखी दादरी में कोई सेंटर ही नहीं है। तो रविंद्र जी ने वास्तव में जादू की जप्पी दे रखी है, और यहाँ के जो बच्चे हैं इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, अच्छा बोलते भी हैं। तो सर वो क्या बोलते हैं, हम होंगे कामयाब एक दिन, एक गाना गा के आप सुना दिए, बच्चे साथ गाएंगे, हमारे कैमरे में भी देखना चाहते हैं। हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, होंगे कामयाब एक दिन। चलो आप बोलिए मेरे साथ साथ, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है पूरा विश्वास, हम होंगे कामयाब। चलो ईस्ट और वेस्ट आर्यन कोचिंग सेंटर इज ईस्ट और वेस्ट। चलो भारत माता की वंदे। थैंक यू। तो मेरे साथ रविंद्र जी, आपकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, सोच के कुछ आए थे हम यहाँ पे, लेकिन यहाँ उससे भी कुछ बड़ा मिला है हमें आके। तो यहाँ जो भारत के दोस्त लोग देख रहे हैं या दादरी के या कहीं किसी जिले के, आप बेखूबी यहाँ आ सकते हैं। सर बता दिए, थोड़ा बहुत तो दुख होगा मन में कहीं, अगर भाई मैंने दौलत नहीं कमाई, नाम आपने कमा लिया था। नहीं दौलत तो देखो यूं है भी, अपना रोजमर्रा का काम चलाने के लिए 1500 रुपये, आप सतयुग की बातें कर रहे हैं, 1500 रुपये में कौन पढ़ा देगा? सर मैं एक बात बताऊं कि देखो लोगों की एक धारणा है शुरू से ही कि पैसे दो और जो है नौकरी लो। मैंने इस इलाके की ये धारणा बदलने की कोशिश की है,
2007 में लगे थे मैं और मेरी टीम है, और आज हमने जो भी हमारे जो सानिध्य में आए यहाँ पर लेवल में आया जो साथ में आया उनको हमने एक ये बात जो है बिल्कुल कन्फर्म ये कर दी कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत ही है, मेहनत करनी ही पड़ेगी, वो चाहे आज कर लो वो कोई बच्चा या कल कर लेना। लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि जो भी बच्चे आज से 10 साल पहले भी मेरे साथ जो यहाँ आए थे लगे हैं जॉब, वो आज भी जुड़े हुए हैं, वो उसी बेस पे जुड़े हुए हैं। एक चीज़ और मुझे चलते चलते लास्ट में, 2007 में जो टीम खड़ी की थी आपने, वो टीम आज भी आपके साथ है? भाई भाई की पार्टनरशिप नहीं चलती, भाई भाई नहीं रह सकता 6 महीने 12 महीने 20 साल, तो खून का रिश्ता होता है वो। लेकिन आपके साथ 2007 से अपने शुरुआत की थी, वो लोग आज भी जुड़े हुए, तो ये क्या जादू की जप्पी आपके पास? कोई जादू की जप्पी नहीं है, ये एक मानवीय मूल्य है जिसमें व्यक्ति को जो है अपने जीवन में समझना ही पड़ेगा, क्योंकि रोजाना जो है तकरार, रोजाना ये तू मैं, ये तो वो व्यक्ति करता है जिसने अपने जीवन में अच्छी एजुकेशन ली नहीं है। हमारी जो टीम है वो सब अच्छे एजुकेशनिस्ट पर्सन हैं और वो लोग अपना काम करते हैं, और जहाँ टीम काम करेगी, जहाँ अच्छा काम होगा, वहाँ ये चीज़ें वास्तव में चलती ही नहीं है। और आप तो पार्टनर की बात कर रहे हैं, आप तो मेरे टीचर सहयोगी की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि मैंने कभी अपने दुश्मन को भी अपने हृदय से जो है ना टीच करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं सोचता हूँ हम इस चीज़ के लिए नहीं बने हैं। हमने अगर सच्ची एजुकेशन ली है, शिक्षा ली है, तो उसका मतलब ये नहीं है, हमारा ये है कि जोड़ा जाए लोगों को, जो है अपने साथ संबंध कायम रखे जाएं। वो ज़रूरी नहीं है कि भी उन संबंधों में जो है वो मानवीय मूल्यों में कहीं जो है पैसा अड़े आए या फिर अपनी अहंकार अड़े आए। मैं कभी किसी को वेट नहीं करवाता कि भी जो है ना रविंदर, क्लास में होता हूँ तो मैं फ़ोन भी नहीं उठाता, मेरी पत्नी का फ़ोन भी नहीं उठाता क्लास में होता हूँ तो वास्तव में। लेकिन अगर मैं क्लास से बाहर होता हूँ तो जो बच्चे भी एक तरह से मित्रवत तरीके से अपनी प्रॉब्लम मेरे सामने रखते हैं। चलते चलते अपने नंबर दे दीजिए और मुझे ये एक पता और बता दीजिए, और अगर दोबारा फीस बता दीजिए, और हॉस्टल की फीस और बता दीजिए साथ साथ, और भारत से लोग कहाँ कैसे आ सकते हैं आपके पास? ये आर्यन कोचिंग सेंटर पिछले 15 साल से काम कर रहा है दादरी क्षेत्र में, और हमारे यहाँ पर कोई भी बच्चा आया उसको दिशा देने के हमने काम किया है। और कोई भी बच्चा प्लस टू के बाद, चाहे वो किस भी स्थिति में हो, वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, या फिर वो चाहे मैं ये मानता हूँ कि पढ़ाई में कमज़ोर हो, और कोई ये कहे कि भाई ये नहीं पास हो सकता, ये नहीं चल सकता, तो मैं ये आपको श्योरिटी देना चाहता हूँ एक तरीके से कि अगर उसके पास जोश है, अगर उसके पास जुनून है, और उसके पास धैर्य है, क्योंकि ये तो है नहीं भी मिनटों में जो है ना किसी को वो हो जाए, हमारे पास 3 महीने का कोर्स है, उसमें एक बार आप आइए, उसके बाद जो है अगला 3 महीने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी वो आगे की चीज़ें हैं। लेकिन कोई भी 0 बच्चा प्लस टू के बाद अगर हमारे पास 1 साल तक धैर्य के साथ रुकता है तो अपने आप कोई ना कोई जॉब ले जाता है। या ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो 4500 रुपये 3 महीने के दे के और आज अपनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, बहुत अच्छी लाइफ। तो हमारा जो आर्यन कोचिंग सेंटर है वो चरखी दादरी में बस स्टैंड के बिल्कुल साथ में पारस वाली गली बोलते हैं इसको, इसमें हमारा आर्यन कोचिंग सेंटर है। और ये आर्यन कोचिंग सेंटर हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो 94163-30206 9416330206। और दूसरा हमारा जो नंबर है वो मेरे पार्टनर श्री भगवान सर जो है उनका है 90535973 90535973। तो कोई भी बच्चा जिस भी स्थिति में हो, ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे जो है ना पैसे की ज़रूरत है, बहुत आप में बस पढ़ने का जुनून होना चाहिए, हम आपके साथ हैं। थैंक यू जी, बात थैंक यू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद लांबा साहब, आप आज आए आप अचानक से और जो है हमसे बातें की, आपका भी आपकी टीम के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आर्यन परिवार की तरफ से, और पूरे इलाके को मैं बहुत बहुत जो है ये शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि वो जो है इस शिक्षा के क्षेत्र में आगे ऐसे ही बढ़ते रहें और इलाके को 4 चांद लगते रहें। धन्यवाद। तो हमारे साथ ही आर्यन कोचिंग सेंटर के संस्थापक रविंद्र जी बने हुए थे, और चरखी दादरी नया जिला बना है, हरियाणा राज्य में है, और आप जहाँ भी मेरी खबर देख रहे हैं सुन रहे हैं, हम खबर आपको लगातार लगभग 4 वर्ष से सच्ची दिखाते हैं, जहाँ कुछ दम होता है
हम वही पूछते हैं, वो चीज़ें दिखाते हैं। हमें कई दिन से सुनने को मिल रहा था आर्यन कोचिंग सेंटर, आर्यन कोचिंग सेंटर 1500 रुपये महीने की फीस में इतनी अच्छी अच्छी पढ़ाई कराते हैं, 4500 बच्चे। तो हम आपके मोटिवेशन के लिए नई चीज़ लेके आए हैं, तो आप इसमें कभी भी आ सकते हैं और गरीब बच्चों का भी काफ़ी प्रोत्साहन कर रहे हैं जो कोचिंग सेंटर मालिक हैं। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? इन सभी बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।